नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं टीसीएस की तरफ से। फ्री हायरिंग आई है 2023 एंड 2022 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। भाई वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है टीसीएस आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको निंजा और डिजिटल का पैकेज चाहिए, 3.5 और 7 लाख का पैकेज चाहिए, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी ही पड़ेगी। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। आपके बैच के लिए ऑलरेडी बहुत सारी जॉब अपडेट्स मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूं। आपको लेटेस्ट जॉब अनाउंसमेंट्स करके प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इसको चेक कर लेना और सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट टू अप्लाई, एग्जाम डेट एंड प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिलने वाला है। भाई बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है, तो मेक श्योर अपनी यार प्रिपरेशन आप इंटैक्ट रखिएगा, बढ़िया लेवल पर प्रिपेयर करिएगा। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हैं भाई। 100% जॉब गारंटी कोर्स है। प्लेसमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल रही होंगी। कोर्स की डिटेल वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल रहा होगा, ठीक है भाई। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, लाइक कर दो, नहीं किया हो तो जल्दी से, ठीक है भाई। तो बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, ये सारी डिग्रीज है ना आपके लिए एलिजिबल होने वाली है। और केवल 2023 और 2022 बैच के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है भाई। ब्रांचेस सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांचेस जो है वो अलाउड है यहाँ पर। तो मेक श्योर आपने सीएसआईटी या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अलाउड है। 60% क्राइटेरिया, 60% से आपका ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम एक एक्टिव बैकलॉग अलाउड है। तो भाई अगर आपने सारी बैक पुरानी क्लियर कर ली, करेंटली केवल एक ही बैकलॉग आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो भी आप अलाउ है। और ईयर गैप में मैक्सिमम 2 साल तक का ईयर गैप आपका अलाउड है, उससे ज्यादा ईयर गैप अलाउड नहीं है भाई। अब कुछ स्किल्स है, अब ये कंपलसरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके रेज्यूमे में ये स्किल्स मेंशन है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं भाई। देखिए, कैंडिडेट्स ट्रेंड इन सिक्योरिटी डोमेन्स एज लिस्टेड बिलो वुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस। अगर आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की नॉलेज है, आपको जावा, पीएचपी, पाइथन, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो भाई, गो है ना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल हैकिंग, या कोई भी सिक्योरिटी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन लाइक सिक्योरिटी प्लस, सीएच, आईएसओ 27001 है ना, तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास जरूरी नहीं है सारी स्किल्स, कोई भी स्किल्स आती हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगेन ये इंटर्नशिप बेटा आपकी, सॉरी ये जॉब, माफ कीजिएगा, इंटर्नशिप नहीं है, जॉब है। तो ये जॉब आपकी यूनिस का जो एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, ये जनवरी में होने वाला है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इनमें से कोई भी एक डोमेन पर मास्टरी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो भाई 1 जनवरी के पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। 7 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है सुबह 10 बजे, ठीक है भाई। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखिए, ये टीसीएस हैक्वेस्ट का सीजन 7 हो रहा है। जैसे टीसीएस आपकी एनक्यूटी होता है, टीसीएस कोड वीटा होता है, इसी तरीके से टीसीएस का हैक्वेस्ट करके कंपटीशन होता है भाई। तो उस कंपटीशन के थ्रू आपको निंजा और डिजिटल का प्रोफाइल मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको हैक्वेस्ट की लिंक मिलेगी भाई, तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। और एक बार मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ भाई, कैसे आप हैक्वेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, मैंने लिंक कॉपी की आप लोगों के सामने, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेटा बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, है ना। तो ये आ गए अपन टीसीएस की हैक्वेस्ट की वेबसाइट पे, ठीक है भाई। तो ये सीजन 7 है भाई, एक बार पूरा देख लेते हैं, है ना। इसका 2 राउंड में ये कंपटीशन आपका होता है। तो पहला राउंड आपका 7 जनवरी को होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा भाई। 4 से 6 बजे आप यार रिपोर्ट जो है वो अपनी अपलोड करोगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अबाउट हैक्वेस्ट में जाएंगे तो कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको यहां पर मिल जाने वाली है, ठीक है भाई। पार्टिसिपेशन कौन कौन के लिए ओपन है ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं भाई, ये भी मैं कवर कर चुका हूं। गाइडलाइंस एक बार पूरी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड होगा, है ना, और ये आप ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। सेकंड राउंड में आपका एक इंटरव्यू होने वाला है भाई, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनली टीसीएस की तरफ से ऑफर मिला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर कट मेंशनड भी है कि भाई निंजा एंड डिजिटल वाली बात भी टीसीएस ने यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक बार मैं आपको चेक करके बता भी देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स अनाउंसमेंट आपको दे रखा है यहाँ पर, तो कंप्लीट डिटेल बेसिकली आपको दे रखी है। और जो भी राउंड 1 क्लियर कर लेगा तो उसको रिमोटली एडिशनल राउंड 2 घर से ही होने वाला है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए डे 1 राउंड 2 में क्या होगा, डे 1 में, डे 2 में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। और ये देखिए जो भी टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट होंगे राउंड 2 के, जो भी टॉपर्स होंगे, उनको निंजा और डिजिटल का जॉब रोल मिलेगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, आप कैसी परफॉर्मेंस देते हो राउंड 1 एंड राउंड 2 में। तो बेसिकली समराइज करूं मैं तो 2 राउंड में आपका पूरा कॉम्पिटिशन होने वाला है। पूरी डिटेल यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप का आपका वीडियो
कॉल पे ही अराउंड होगा, घर से ही होगा ये आपका, तो उसमें क्या क्या होने वाला है वो सब आपको दे दिया है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। राउंड टू आप जैसे क्लियर करते हो, टॉप परफॉर्म करते हो, तो निंजा और डिजिटल का पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम रजिस्टर कैसे करेंगे भाई। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक हैक्वेस्ट की लिंक दिख रही होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दो ऑप्शंस आपको दिखने वाले हैं हैक्वेस्ट की वेबसाइट पे, एक लॉगिन और एक रजिस्टर। ठीक है, आपको एक सीटीडीटी आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर बटन पे पूछेगा भाई आपकी सीटीडीटी आईडी है कि नहीं है। भाई नहीं है तो उसको जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए आप इस टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आपका यहाँ पर खुल जाने वाला है। देखिए नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आपका खुल गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आईटी पे क्लिक करना है। अपन आईटी पर क्लिक करेंगे। देखिए आईटी पर जैसे ही आपने क्लिक किया, पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। पूरा फॉर्म आपको भरना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की लिंक दे दूंगा कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को पूरा यू नो फिल कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को फिल करोगे तो आपके पास एक सीटीडीटी आईडी आने वाली है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आईडी बना चुके हो, आपके पास ऑलरेडी एक सीटीडीटी आईडी है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। आपको सीटीडीटी आईडी को यहाँ पर मेंशन कर देना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल देना है, कंफर्म कर देना है पासवर्ड को, और उसके बाद क्या प्रोसीजर करना है एक बार जल्दी से लैपटॉप पर चलते हैं और पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, लास्ट में आपको एक सीटीडीटी आईडी दिखने लगी होगी भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास अब एक सीटीडीटी आईडी होगी, या कुछ बच्चों ने पहले से रजिस्टर करके रखा होगा तो उनको ऑलरेडी सीटीडीटी आईडी उनके पास होगी। अब अगर आपके पास सीटीडीटी आईडी जनरेट हो गई है तो कैसे रजिस्टर करना है उसको देख लेते हैं भाई। आपको ये टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे न्यू टैब पे क्लिक कर लेना है भाई। तो इस तरीके से देखिए नेक्स्ट स्टेप पोर्टल हमारा खुल जाएगा। अगेन इस बार लॉग इन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल दीजिएगा भाई, जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैप्चा डालिएगा तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर आपकी सीटीआईडी दिख रही होगी, इस सीटीआईडी को आप कर लीजिएगा कॉपी भाई। तो अब सीटीआईडी हमारे पास आ चुकी है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए भाई। अब आपसे आपका नाम पूछ रहा है तो हमने अपना नाम डाल दिया, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो अपन ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, एक पासवर्ड पूछ रहा है। देखिए भाई पासवर्ड के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पासवर्ड, एक लोअर केस अल्फाबेट, एक अपर केस अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक डिजिट और एक सिंबल होना चाहिए भाई। ठीक है, तो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का चाहिए पासवर्ड। तो अपन ने ये पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया भाई। कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी तो ग्रीन टिक आ जाएगा। सेम टू सेम पासवर्ड दोबारा एंटर करिए और इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पासवर्ड याद रहे भाई। आई एग्री टू टीसीएस पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, यस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच एंड ब्रांचेस। रजिस्टर पर आपको बस क्लिक कर देना है भाई, आपका काम हो चुका है। आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आई होगी यहाँ पर आपके ईमेल पर, आप चेक करिएगा। देखिए टीसीएस हैक्वेस्ट एडमिन की तरफ से एक वेरिफिकेशन लिंक आई है, तो आपको ईमेल एड्रेस को बस वेरीफाई कर देना है भाई। तो आप यहां पर आपका लॉगिन हो जाएगा हैक्वेस्ट पर, अकाउंट बन चुका है। अब सारी डिटेल आपको ईमेल के थ्रू टीसीएस जो है वो सेंड करने लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मेक श्योर रजिस्टर करें अच्छे से यार, और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन शुरू करें भाई। अब अलग अलग जगह पर जाकर के आपको अलग अलग सोर्सेस तलाशने की जरूरत नहीं है भाई, आप सीधा हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हैं भाई। इसके अंदर आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट वर्बल एबिलिटी, कंप्लीट कोडिंग, बेसिक कोडिंग, एडवांस कोडिंग, C++, जावा, पाइथन के कोर्सेस, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पूरा इंटरव्यू एंड रेज्यूम की ट्रेनिंग भी है, प्लस वन ऑन वन मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना, और वन ऑन वन आपको आपका रेज्यूम वेरीफाई कर रहा हूँ। 10 कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज, TCS के कोर्सेज हैं, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फीटीक्यू, हेक्सावेयर, LTI, MCAT, इन सारी कंपनीज के आपको यहाँ पर कोर्सेज देखने को मिलेंगे भाई, है ना। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है, हर एक वैलिडिटी ऑप्शन के कुछ अपने फायदे नुकसान है भाई। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा हमारी टीम का, तो आप उसको टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल जा रहा होता है, और फिर आपको हर एक वैलिडिटी का आपको बेनिफिट समझ में आ रहा होता है। 2 इयर्स वालों को थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आप 2 इयर्स का प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम बचा है तो आप 30 डेज का वैलिडिटी चूज करें, और आपको एक 50 आवर्स का रैपिड फायर क्रैश कोर्स भी इसके अंदर दे रखा है। तो जिनके पास समय कम है वो 30 डेज की वैलिडिटी चूज करके केवल इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू, राइट। तो कम समय में भी कैसे प्रिपरेशन करनी है बता दिया, ज्यादा समय में कंप्लीट कोर्सेज आप चेक कर सकते हो भाई। तो मेक श्योर इसको जरूर से परचेस कर लें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला हूं भाई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दें, सो दैट आगे जल्दी वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।